स्पेनिश भी अब कट करते हैं क्योंकि ना ये फ्रेश होती है, तो नेक्स्ट डे तक तो वैसे इसकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। और बस रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं जनाब, तो बस ये काम तो सारे चलते रहेंगे और टाइम सेविंग है ना, असल में जितना भी आप काम कर लेंगे उतनी आपकी बचत हो जाती है। फिर वो रोज़े में आप एक तो रोज़ा रखा होता है, सही बात है, और फिर सेल्फ़ लाइफ में आपको ऑल टू ऑल खुद ही करना होता है, इसीलिए बस ना ये अब हम काम करते चले जाएंगे। ये देखें जी, स्पेनिश मैंने सारी कट कर ली और राहिल अब इसको बास्केट में रखेगा, मेरी हेल्प करेगा। अभी जो है इसको फ्रेश इसलिए कट कर रही हूँ, मैंने आपको बताया क्योंकि नेक्स्ट डे तक तो कोई हशर नहीं होगा। और राहिल बिल्कुल ठीक से डालो, इसको अब वॉश कर लेते हैं हम। ये चेक कर लें जी, बच्चों की कोई अपनी ही टेक्नोलॉजी होती है। डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने भी इतना मैस किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब काम नॉर्मल है। तो चलें जी, इसको मैं कर लेती हूँ अब वॉश। और वैसे तो ये इतनी गंदी पालक नहीं होती है, नीट होती है, लेकिन फिर भी वॉश तो करनी है ना। और आपसे मिलती हूँ मैं सुबह, अब मैं बनाती हूँ मज़ेदार सी साथ में चाय। वीकेंड है और चाय को एंजॉय करते हैं, मिलूँगी कल सुबह, बाय बाय। पानी इसका ड्रेन हो चुका है और मैं अब इसको जिप लॉक में सेव करूँगी। स्पेनिश ज़्यादा जो है ना वैसे पकौड़ों में यूज़ हो रही होती है, तो इसलिए बेहतर होता है कि ये भी काम जो है ना आपका हो जाए। बस ये रहा जी हमारा जिप लॉक बैग रेडी है रमज़ान के लिए, रोज़ों के लिए। इसको मैं रखती हूँ फ्रीजर में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जी वीकेंड आ गया, हम निकल पड़े आज फिर बाहर। और वो देखो उधर से आ गए बैग से। आज सबसे पहले हम मौसम की बात करते हैं जी, कि मौसम तो आज बहुत ही कमाल का मौसम है जी। और दूसरे नंबर पे ये अब आगे आ रहे हैं कुछ हाउस। हाउस किस किस को पसंद है, जो मतलब एक कंप्लीट हाउस यहाँ पर होता है, वैसे तो वो बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, ये वाला सीन होता है, लेकिन मुझे जो ये हाउस है ना ये बहुत पसंद है। और आप सब ने दुआ करनी है ठीक है, कि मेरी ये वाली विश जो है ना वो पूरी हो जाए बस, ठीक है। गुड नाइट। ये गुड नाइट नहीं है, अभी गुड मॉर्निंग है बेटा। गुड मॉर्निंग जना। इस एरिया में अगर आप आए ना, इस तरह के जिस मतलब जो भी इस तरह के एरिए होते हैं उनकी बात हो रही है, तो ऐसे फीलिंग्स आ रही होती हैं कि जैसे ना वो एक मोहल्ला टाइप इस तरह की, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। लेकिन जब रात में कुछ सीन ऐसा होता है यहाँ पे कि बड़े सन्नाटे हो जाते हैं, बस फिर इसलिए जरा थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं कि यहाँ पर ये वाला सीन बन जाता है। ये क्लिप आदम साहब बना रहे हैं जी, और आपने जरूर लाइक देखा। ये देखा वदी मेरे दुगु दादा आदि इफा मम्मा आदम। इंट्रोडक्शन हो गया भाई सबका। बाय अगेन। देख लें जी, फिर वैसे ही हाउस आमने सामने आ गए हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे आमने सामने घर हो वो मोहल्ला टाइप ही फील हो रहा होता है ना, लेकिन ये तो एक प्रॉपर रोड है, मैंने आपको वो एक गली में दिखाया था। इस तरह से अपनी अपनी फीलिंग्स हैं भाई, जैसे जैसे किसी को समझ आ रही होती है। मैंने आना था जी इस स्टोर में, जिसको आप पढ़ेंगे इंग्लिश में तो रोलर पढ़ेंगे, लेकिन डच में अगर पढ़ेंगे तो रोला पढ़ेंगे। चलें जी, फाइनली हम जो है ना यहाँ पर पहुँचे। यहाँ के लोगों की ना एक बात ये बहुत है कि ये लोग जैकेट्स में भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं और टी शर्ट्स में भी बड़ी जल्दी आते हैं। एक दिन का अगर मौसम चेंज हुआ है ना तो शॉर्ट्स भी पहन लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ होते हैं जनाब। तो चलें जी, हम अब एंटर होते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये बताओ कि आम वाली पेटियां देखो। ये आम वाली पेटियां जी इमरान के बकौल, और ये 29 शहरों की एक है। तो देखें जरा, लेकिन ये डेको के लिए है। डेको के लिए है ना, हाँ, उसको थोड़ा सा आग के साथ करके ब्लैक किया हुआ है। बस देख रहे आर्ट है, आम वाली पेटियां है। ये देखें, रेस्ट होने लगा है, इंजॉय होने लगा है साथ में। हाँ विफा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेट। और ऐसा कुछ हमारी बालकनी में देखे, ऊपर अम्ब्रेला भी है। नाइस।
नहीं, बहुत मजे का लग रहा है। वली वो जा रहा है, उसको मैं बताती हूँ। नहीं तो फिर आहिल है। बदतमीजी मत करो इफा। वली कम देखो तुम बैठे हो, वो देख लो शक्ल मिल रही है माशा। कितने तुम बदतमीज हो। आहिल साहब की अपनी ही कोई पर्सनालिटी है, ये आराम आराम से अपनी एंजॉय करता पहुंचेगा हर चीज को चेक करते हुए। इफा ने आदम को खूब तंग किया, वह कभी कहीं उसको पहुंचा रही है, कभी कहीं चढ़ा रही है। अरे तुम तो उठ जाओ। देखो पाव पेट्रोल का। लेकिन बेबी अच्छा नहीं है, ऐसे ही है बस, प्यारा तो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ये ठीक है, आ जाओ फिर। चले मैं आपको किचन चेक करवाती हूँ। राउस्तमित तो नहीं है, राउस्तमित नहीं। आहिल आपके लिए बढ़िया। देखें जी किचन कितना प्यारा लग रहा है, और ब्लैक तो फिर मेरा फेवरेट है। आहिल बास्ता इफा कर रही है जी, कुकिंग स्टार्ट करने लगी है। चलो जी स्टार्ट हो जाओ इफा, किचन ऐसा होना चाहिए इंशाल्लाह। देखें सारा किचन ही ना हो इससे बेहतर। ये भी देखना है सारा, इनकी हर जगह जान सी है ना खेलने कूदने की है। इफा के लिए बेड पसंद किया जा रहा है जी, चेक करें जरा। इफा का दिमाग खराब कर रहे हैं सारे। तुम ले लो। ये देखें इसके लिए वो बेड मिल गया, एंड पे वो कॉट मिल गया। ये देखें जी यहाँ पर लूज में भी सारा कपड़ा मिल रहा होता है, और कर्टन्स के लिए स्पेशल यहाँ पर आप साइज देख के कर्टन रेडी भी करवा सकते हैं। और ये सारी लेसेस वगैरह ये चेक करें जनाब, पाकिस्तानी स्टाइल से कुछ इसी टाइप का ही लग रहा है। आदम अपना फेवरेट कलर करने लगा जी, देखते हैं आदम का फेवरेट कलर कौन सा है। पर्पल, ब्लू, ब्लू कलर, यस, मजेंटा। हाँ जी देखना, ये सब चीजें सेल में उन्होंने रखी हुई हैं, वो चेक कर लें सारा। ये आदम की मस्तियाँ। ये देख कर लें, ये काम रहता था बस मुझे लेना है। ये इफा वाले काम कर रहे हो, प्लीज मुझे लेना है। इफा का बैग पहन कर क्या याद आ रहा है इन फोन्स को देख के। जी जी अच्छा, जो मैं लेने आई थी ना इमरान कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ नहीं मिला इसको। देख लें सारा क्या ये देखें जी इफा की तरफ से मुझे पिंक रोज, वो भी आर्टिफिशियल। थैंक यू इफा। ये वाला सेक्शन जो है ना फेवरेट 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 है, जितनी दफ़ा भी कह लें उतनी दफ़ा कम है, लेकिन जो बच्चा पार्टी होती है ना, और ये जो हस्बैंड्स होते हैं ये कहते हैं बस जल्दी से निकलो इस जगह से, तो स्पेशली जल्दी निकलो ना, कहीं शॉपिंग ही ना हो जाए यहाँ से। लेकिन जो ज़रूरी होता है भाई वो तो फिर लेना ही होता है। कुछ और भी नज़र आ गया आपको दिखाते दिखाते, मुझे ये देख चेक करती हूँ। चलते हैं जी अब हम ग्लोबस में, एक मार्केट से तो हम निकल आए। आखिर क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े हो, दो उसने अंदर बैठना। इंसान भी वैसे क्या कमाल के होते हैं, ज़रा सी गर्मी लगती नहीं और हम लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, और हम लोग इस मौसम का इंतज़ार भी बहुत कर रहे होते हैं जी। ये देखें जी क्या खूबसूरत लग रहा है, ये चॉकलेट बॉल्स हैं, एग्स बने हुए इनके। हमें लग रही है जी बहुत शदीद किस्म की भूख, और हम यहाँ से चेक करें कि हमें क्या खाना है। और ये वाली जो ब्रेड होती है ना ये बड़े कमाल की होती है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। ये दें जी यहाँ पे तो आदम की तो शॉपिंग हो गई है स्टार्ट, डोनट्स वो भी बंटीज वाले, ओह माय गॉड।
ब्रेड इन्होंने ले ली है और यहाँ पर चीज़ जो है ना वो सिलेक्ट हो रही है कि हमने कौन सी लेनी है और कौन सी अभी फौरन फौरन बाहर जाके हम खाएंगे। भाई एक दफ़े बस आप चल बस ओके बस ओके डन। आहिल को लग रही है जी बहुत शदीद किस्म की भूख और आहिल को हम समझा रहे हैं, आहिल आप समझो आपने रोज़ा रखा हुआ है लेकिन आहिल फिर भी नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, कह रहा है कि नहीं लेकिन अभी वेट करना है हम मार्केट से बाहर निकलेंगे तो फिर आहिल कुछ खाएगा ना। इमरान बड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं। ये देखें जी क्या बात है, मज़े के लग रहे हैं सारे पड़े हुए लेकिन यहाँ पर एक रिंग है वो गोल्ड प्लेटेड है। ये देखें इसकी प्राइस क्या है जी 1795। ये देखें हम तो हम लेकिन वली साहब को भी कुछ चाहिए होता है। नाइस अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं अच्छा लग रहा है ब्लैक प्लेन में, इसकी ये समझ नहीं आ रही है अच्छा लगता है पहना हुआ। बॉयज पहनते भी हैं ऐसी बात नहीं है कि नहीं पहनते लेकिन देख लो जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे कर लो। प्यारा ना अच्छी बात है, आपके कुम्प्लानो के लिए आइडिया होना चाहिए। मेरी कुम्प्लानो भी बहुत दूर है। कोई डायमंड रिंग तो बताएं अपनी बच्ची के लिए। ये देखें जी यहाँ पर गोल्ड में जो ज्वेलरी है सिल्वर गोल्ड बहुत अच्छी है सारी तो चलें जी करते हैं पे हम और निकलते हैं यहाँ से बाहर थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पर ऐसे हम ये थोड़ा सा घर से दूर है स्टोर, ऐसे ही हम यहाँ पर चक्कर लगाने आए थे और बस देखने आए थे कि कुछ स्पेशल कुछ है तो ठीक है नहीं तो बस ऐसे इंजॉयमेंट। हमें जी हाथ शाथ धोने थे अपने और हम बच्चों वाले टॉयलेट में आ गए। चेक करें जरा हमारे काम, अब यहाँ पे कोई बच्चों वाला आ ना जाए हमारी अच्छी खासी बेइज्जती हो जानी है। जल्दी से इफा जल्दी से प्लीज़ इफा तो चलें जी यहाँ से भी हम निकलते हैं बाहर। हाँ वहाँ से भी जा सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, हमें भी मसला बना हुआ था फंस के गुजरने का। यहाँ पे जी हम करें पेट पूजा आप क्या कर रहे हो? वलीस ने आपको कॉपी किया है, आप यहाँ पे बैठे हो ना इसलिए आदम ने भी बैठ के खाना शुरू किया। आदम को तो फंटा पिंक बहुत पसंद आया और लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि नहीं अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छा। आईफा चुप कर जाओ उसे नहीं पीना। वली अब ट्राई करेगा देखेगा फिर बताएगा। लेबोरेटरी में गया फंटा लेकिन आदम को बहुत पसंद आया आराम से। और अब मैं खाऊंगी जी हॉट पेपरोनी चिप्स जो कि शक्ल से तो बहुत ही मजे के लग रहे हैं लेकिन इसको खोलते हैं चेक करते हैं। मेरी खा बहुत ही मजे के हैं, ले लो इफा आप भी बेबी आप भी ले लो। बीते सुन हम जी आए हुए हैं यहाँ पर ग्रॉसरी करने के लिए और देख रहे हैं सारा कुछ। आदम ने अपनी ट्रॉली छोड़ दी है जो फिर हैवी सीन है कि नहीं, बहुत हैवी सीन है। ये देख ये हैवी सीन हुए मैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। तो जनाब हमने ग्रॉसरी अपनी कंप्लीट कर ली है सैटरडे को जो हमारा काम होता है मेन, और बच्चे भी साथ थे, बच्चे भी इसलिए साथ आए क्योंकि वेदर बहुत मज़े का था तो इसलिए इनका भी प्लान अचानक से फिर बन गया कि हम सब इकट्ठे चलते हैं। तो चलें जी इसी के साथ कर लेती हूँ मैं एंड। और आपको ये वाला जो व्लॉग है ये दो तीन दिन का कुछ डिफरेंट डेज़ में मतलब मैंने इकट्ठा किया और आप इसको इंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलती हूँ आपसे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।